नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। व्हाइट टाइगर सफारी को मिली एक और उपलब्धि, घड़ियाल बाड़े में छोड़े गए 8 घड़ियाल। विलुप्त होते घड़ियाल प्रजाति के 8 मेहमान पहुंचे मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी में। व्हाइट टाइगर सफारी की एक और बड़ी उपलब्धि, मुरैना से लाए गए 8 घड़ियाल बाड़े में किए गए थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला खास तौर से मौजूद रहे। दिसंबर का पहला रविवार व्हाइट टाइगर सफारी के लिए यादगार बनकर रहे जब घड़ियाल बाड़े में छोड़े गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी पहुंचकर वाटरफ्लाई सहित अन्य निर्माण कार्यों का जायजा लिया, अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा यहां पर जल्द ही वर्ल्ड एवियरी बनकर तैयार होगी। टाइगर सफारी में वन जीवों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। विलुप्त होते घड़ियाल प्रजाति के 8 नए मेहमानों को मुरैना से लाकर चिड़ियाघर के खुले वातावरण में छोड़ा गया। घड़ियालों के लिए नवनिर्मित बाड़े सहित आधुनिक सुलभ शौचालय का लोकार्पण भी किया गया। पूर्व मंत्री ने साफ तौर से कहा अब टाइगर सफारी में दूसरे प्रदेश से भी सैलानी पहुंच रहे हैं। पूरे विश्व को व्हाइट टाइगर देने वाले रीवा के लिए गौरव की बात है। यहाँ पर लंबे अरसे बाद सफेद शेर की वापसी हुई, यही कारण है पूरे देश में टाइगर सफारी दिनों दिन ख्याति अर्जित कर रही है। काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पहुंचने वाले लोगों को किसी तरीके की दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी धीरे धीरे अपनी ख्याति बिखेरती हुई आज इस मुकाम पर पहुंच गई। देश विदेश के हजारों सैलानी रोज यहाँ पहुंच रहे। व्हाइट टाइगर सफारी प्रबंधन भी उनके लिए तमाम सुविधाएं जुटा रहा है। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।